हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश रहें और हमारा साथ दीजिए प्लीज़। मेरा न्यू ब्लॉग देख के आप लोग मुझे आगे बढ़ाइए और आप लोग मेरे ब्लॉग में मेरे साथ रहिए। दोस्तों, सुबह का टाइम है, मैं बिस्तर साफ़ कर रही हूँ अपना, सब चादर वगैरह झाड़ रही हूँ। मैंने सब बिस्तर ख़राब हो जाता है लेटते तो, और ये मैं रजाई भी रख रही हूँ जल्दी जल्दी। ऐसा क्या, सब काम जल्दी जल्दी होना चाहिए, बिल्कुल लेट नहीं होना चाहिए। और मैं झाड़ू भी लगा रही हूँ, सुबह को बहुत जल्दी रहती है इसलिए मैंने जल्दी जल्दी झाड़ू लगाई है। फिर मेरे बाबू ने तब तक नहा लिया है और आज वो लड्डू गोपाल को नहला रहा है, क्योंकि आज मैं चूल्हे पर खाना बनाऊँगी तो मैं लड्डू गोपाल को नहीं नहलाऊँगी इसलिए। और आज वो भोग भी लगा रहा है मेरा बेटा, वही उसने पूजा भी की है, क्योंकि मैं दोपहर में नहाऊँगी सारा काम करने के बाद। और देखना मैं लड्डू गोपाल, और ये मैं चाय पी रही हूँ बैठ के आराम से। देखो, ख़त्म भी हो गई मेरी चाय। और ये देखना मेरे देवर हैं मंजले वाले, और मैं इनसे बहुत मजाक करती हूँ और ये भी बहुत मजाक करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है अपने यहाँ घर पे एंजॉय करते हुए। और ये मैं पैंट में बटन लगा रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा बहुत नटखट है, शरारती है, वो हर समय जब देखो तो बटन तोड़ देता है पैंट के, मुझे लगाते ही हो जाता है। आज लगाया, अब देखो कब तोड़ दे। और ये देखिए बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं इधर भी। और ये मेरे देवर हैं छोटे वाले, जो टैंक देख रहे हैं किधर से पानी निकल रहा है। और ये मैं हूँ, और मैं काट रही हूँ गोभी बनाने के लिए, और बनेगी गोभी चूल्हे पे और इसका खाना हो जाएगा स्वाद। गोभी चूल्हे पे बनती है तो बहुत स्वाद लगती है, गैस पे बनी हुई गोभी स्वाद नहीं लगती, लेकिन मुझे गैस पे बनाना अच्छा लगता है, चूल्हे पे नहीं। और ये मैं धुल रही हूँ गोभी आलू साफ करके। मैंने कहा हाँ, दो तीन बार धुलना चाहिए इसे, क्योंकि पता है ये नए आलू आ रहे हैं, इससे मिट्टी रह जाती है, तो इस वजह से ये कहीं ऐसा ना हो कि मतलब किस किस आए, इसलिए दो तीन बार इसे साफ़ कर लेना चाहिए पानी से। और दोस्तों, ये तो घर घर की कहानी है, फिर भी मुझे अच्छा लगता है आप सबके साथ मतलब अपना दिखाते हुए रूटीन कि मैं दिन भर क्या करती हूँ क्या नहीं। लोग समझते हैं कि हाँ मैं केवल वीडियो बनाती हूँ, काम नहीं करते। काफ़ी लोग की ये शिकायत है कि आपकी बहू काम नहीं करती, मतलब दिन भर वीडियो बनाती है, पता नहीं खाना बनाती है नहीं। लेकिन नहीं, वीडियो बन सकती है, खाना बनाते बनाते भी वीडियो बना सकते हो भाई, ये तो गलत है ना कहना। और ये देखना मैं पहुंच गई चूल्हे के पास, और ये मैंने जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ा दी है। और मैं हल्दी मिर्च प्याज लहसुन भून चुकी हूँ, और ये देखिए मैंने मिर्च डाल दी है। अब इसमें डालूँगी नमक स्वाद अनुसार, अब पड़ेगी फूल। अब देखना ये फूल, दोस्तों मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मैं चूल्हे पे खाना बनाऊं, मेरी मजबूरी है, कभी कभी बनाने पड़ जाती है, बच्चों की ख्वाहिश होती है कि आज चूल्हे पे ये चीज बनाओ। खाना तो चूल्हे का ही अच्छा लगता है। और मैं गूंदने बैठ गई हूँ आटा, आप देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको भी चूल्हे की बनी हुई रोटी खानी है तो आ जाइए मेरे घर पे, मैं आपको गर्मा गर्म फूली हुई रोटी बिल्कुल खिलाएंगे चूल्हे के। बताना दोस्तों, ऐसी रोटी बनती है चूल्हे पे? कर दे। दोस्तों, जब स्वादिष्ट खाना खाना है तो ये सब तो होना ही होगा। चूल्हे का खाना खाओ स्वाद और करो मेहनत,
कढ़ाई मारने में और तवा मारने में। यह है मेरे कढ़ाई का हाल। चूल्हे के बर्तन के बर्तन मांजने के बाद हो जाता है बिल्कुल फर्श गंदा और उसे झाड़ू साफ किया। और इधर भी मैंने जल्दी साफ किया क्योंकि चूल्हे में है आग। मैं जा रही हूँ नहाने और नहाने के बाद मैं तुमसे करूंगी कुछ बातें। ये देखना दोस्तों, मैं नहा के आ गई हूँ। अब मैं कपड़े डाल रही हूँ, धुल के लाई हूँ सारे। और आप दोस्तों मुझे बताना कि मैं सूट में ज़्यादा अच्छी लगती है या साड़ी में, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ये देखना दोस्तों, खाना बनके तैयार हो गया है। और आपको खाना है तो आ जाइए खाना खाने के लिए, और टेस्टी बनाए खाना खाने। दोस्तों ये देखना, मेरे लड्डू गोपाल के कपड़े थे ये ख़राब हो गए हैं। ये देखना, ठंड पड़ रही थी तो इन्हें मतलब धूप नहीं निकली तो सूख नहीं पाए, तो उन्हें हीटर पे रख दिया थे मेरे बेटे ने, तो ये जल गए। इसलिए मुझे नई ड्रेस बनानी पड़ेगी। रुमाल लेके आई हूँ मैं, उसकी मैं नई ड्रेस बनाऊँगी और मैं कल आपको दिखाऊँगी लड्डू गोपाल को पहना के। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद हो प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना, और मेरी वीडियो को सपोर्ट करना प्लीज़, मुझे सपोर्ट।